कक्षा के छात्र को बेरहमी से पीटा गया है और स्कूल संचालक ने 10वीं कक्षा के छात्र को लाठी से पीटा है। घायल छात्र को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है। संचालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया। बता दें कि चिंतामण क्षेत्र स्थित गो ग्रीन स्कूल की यह घटना बताई गई है, जहां एक 10वीं कक्षा के छात्र के साथ बेरहमी से डंडे से मारपीट की गई है और ये मारपीट स्कूल के संचालक ने की है। फिलहाल घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, तो वहीं संचालक के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। चिंतामण क्षेत्र है, यहां पर गो ग्रीन स्कूल की यह घटना बताई गई है। एमपी में काउंटिंग के पहले उप मुख्यमंत्री की चर्चा होने लगी है और दोनों दलों में डिप्टी सीएम फॉर्मूले पर बात भी चल रही है। 20 साल बाद मध्य प्रदेश को उप मुख्यमंत्री मिल सकता है और दोनों ही दलों में उप मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। किसी वरिष्ठ विधायक को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, तो मध्य प्रदेश में अब तक 4 डिप्टी सीएम रह चुके हैं, तो छत्तीसगढ़ में कुछ महीने पहले ही टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से अब दोनों राज्यों में डिप्टी सीएम बनाने को लेकर दोनों ही दलों में चर्चाएं की जा रही हैं। तो खास करके ओबीसी वर्ग की भागीदारी पर फोकस रखा जाएगा। तो अगर सीएम ओबीसी वर्ग के होते हैं तो डिप्टी सीएम सामान्य वर्ग के रहेंगे और इसी तरह सीएम अगर सामान्य वर्ग से होंगे तो डिप्टी सीएम ओबीसी या आदिवासी वर्ग के होंगे। दोनों ही पार्टियों में ये फॉर्मूला हो सकता है। तो अब तक मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 4 डिप्टी सीएम रह चुके हैं। चलिए उनके नाम भी आपको बता दें, 4 डिप्टी सीएम कौन कौन रहे हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा, शिव भानु सिंह सोलंकी और सुभाष यादव, इसके बाद जमुना देवी, ये 4 वो शख्सियत हैं जो मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम रह चुकी हैं। और डिप्टी सीएम के बाद अब ये माना जा रहा है कि लगभग 20 साल बाद एक बार फिर से वही स्थिति मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है, जहां वर्ग को और नेताओं को साधने की कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है कि अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर से डिप्टी सीएम चेहरा रखा जाएगा। और फॉर्मूला भी तय है, अगर सामान्य सीएम सामान्य वर्ग से आता है तो डिप्टी सीएम ओबीसी या आदिवासी वर्ग से रहेगा, और अगर सीएम ओबीसी वर्ग से रहते हैं तो सामान्य किसी विधायक को जो सामान्य वर्ग से आते हैं उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो 20 साल बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश को डिप्टी सीएम मिल सकता है और ये माना जा रहा है जो मध्य प्रदेश में अब जो दोनों दल हैं बीजेपी कांग्रेस, दोनों दलों में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और बैठकें भी चल रही हैं, और इससे लेकर ये भी माना जा रहा है कि किस फॉर्मूले के आधार पर डिप्टी सीएम रखा जाएगा, क्योंकि कई दिग्गज ऐसे रहते हैं जहां नाराजगियां भी सामने आती हैं, तो उस नाराजगी को भी दूर किया जा सकता है और वर्ग विशेष को भी साधा जा सकता है। चलिए हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, मध्य डिप्टी सीएम देखने को मिलेंगे, क्योंकि चर्चा ऐसी ही चल रही है, दोनों दल चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, उन दोनों का इस तरह की प्लानिंग है कि अगर अब सरकार बनती है तो एक प्रदेश में डिप्टी सीएम का पद भी रखा जाएगा। देखिए दिनेश, पहले तो ये सवाल उठता है कि ऐसा क्यों सोचा जा रहा है। ऐसा इसलिए सोचा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स जो इंटेलिजेंस की हैं, रिपोर्ट्स जो केंद्रीय एजेंसियों की हैं, ये सब दावे हैं। मैं नहीं कहता इनमें कितनी सच्चाई है, सच्चाई तो मतदाता ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर दी है। अब ये किसी के पक्ष में सुनामी की तरह बहुत उभर कर आएगा समर्थन, या फिर पिछली बार का मुकाबला हमको देखने को मिलेगा, लेकिन जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं उसमें दोनों दलों की नींदें उड़ा रखी हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कांटे का मुकाबला है और काफी हद तक स्थिति वैसी होगी कि दोनों दलों के बीच में एक नजदीकी मुकाबले जैसे हालात दिखेंगे। तो दोनों दल उसकी तैयारी, क्योंकि 2018 इसका एक उदाहरण है, और दोनों अनुभवी भी हैं और खासतौर से कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है, क्योंकि 2018 में सरकार बनाने के बाद जो नुकसान कांग्रेस ने झेला उसके बाद उसने अपनी तैयारी को और मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। और बीजेपी भी जानती है कि अगर सरकार बहुमत की नहीं रही जी। और खींचतान की जरूरत पड़ी तो उसको फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, और यही बात कांग्रेस भी जानती है, और यही वजह है कि यहाँ डिप्टी सीएम का फार्मूला माना जा रहा है। जैसा मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के समय था कि दो उप मुख्यमंत्री उस समय हुआ करते थे, जहां तक मुझे ध्यान है प्यारे लाल कंवर और जमुना देवी जी। तो एक फार्मूला तो ये है कि डिप्टी सीएम का,
और इसी तरह से और भी फॉर्मूले, बात सिर्फ डिप्टी सीएम पर ही नहीं उलझी है, बात ये उलझी है कि निर्दलियों पर कितनी निगाह रखी जाए। तो कांग्रेस अपने समर्थक निर्दलियों की सूची तैयार कर रही है और बीजेपी अपने समर्थक निर्दलीय प्रत्याशियों की सूची तैयार कर रही है कि जरूरत पड़ी तो उनसे अभी से बात करके तैयारी कर ली जाए कि उनका समर्थन हमारे साथ रहे। तो बहुत अलग तरह की कोशिशें, पर्दे के पीछे की जो कोशिशें होती हैं दिनेश, वो सारी कोशिशें इस समय चल रही हैं। कुछ बातें सामने आ जाती हैं और कुछ बातों पर गोपनीयता की गहरी परत चढ़ाकर रखी गई है। जी दिनेश, शुक्रिया सर जानकारी के लिए। तो अब साफ तौर पर ये स्थिति, जैसा कि शरद जी ने बताया कि किस तरह से साधने का ये प्रयास चल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है वो जानना जरूरी है। और वजह यही है कि किसी भी तरह की कोई नाराजगी ना हो, आगे चल के स्थिति ना बिगड़ पाए, तो उस स्थिति को कैसे साध रहा है। तो एक बेहतर विकल्प के तौर पर डिप्टी सीएम का ऐसा पद है जिसके जरिए तमाम जो राजनीतिक क्लैश पार्टियों के अंदर रहते हैं उसको साधा जा सकता है। पंडो